कौन से फ़ाइन इम्पोज किए जा सकते हैं कौन से फाइन इम्पोज किए नहीं जा सकते तो बेसिकली ये लेबर वेलफेयर लेजिसलेशन है तो देखते हैं कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो पेमेंट जो वर्कर्स को करनी है उसके लिए जिम्मेदार किसको बनाती है किसको ठहराती है तो बेसिकली जो लॉ होता है ये बेसिकली बंच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस का एक प्रोडक्ट होता है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली ये ऑब्लिगेशन है देखें किसकी ऑब्लिगेशन है वर्कर्स को पेमेंट करने की एवरी एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू पर्सन इंप्लॉयड बाई हिम ऑफ ऑल वेज इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट वेरी सिंपल दो तरीकों से नॉर्मली वर्कर्स एंगेज किए जाते हैं एक तो एम्प्लॉयर एंगेज करता है दूसरा कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करता है तो कॉन्ट्रैक्टर हो या एम्प्लॉयर हो इनकी जिम्मेदारी है कि जिस भी किस्म की वेजेस इस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत देने की वो देने के वो पाबंद हैं वो बाय ऑल मीनस उसको पे करेंगे प्रोवाइडेड दैट ये जो ऊपर वाली बात है इसके साथ प्रोवाइडेड का लफ्ज है बाद में लिखा हुआ इसका मतलब है ये प्रोविजो है या इसको प्रोवाइजो भी बोलते हैं तो ये जो ऊपर जनरल बात की होती है उसके साथ या एडिशन ला सकती है या कंडीशन या एक्सेप्शन प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ परसन एम्प्लॉयड अदरवाइज देन बाय कॉन्ट्रैक्टर इन फैक्ट्रीज इफ अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर क्लॉज ई ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर जो बात की गई वो ये की गई कि एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है पेमेंट ऑफ वेजेस का लेकिन वो कहते हैं कि एक्सेप्शन हम दे रहे हैं अगर कोई फैक्ट्री है और वहां पर कोई शख्स जो है वो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री है तो देन ये उस मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो जिन वर्कर से काम ले रहा है उनको पेमेंट जो है अंडर दिस लॉ टाइम पर करवाए नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है वो ये है कि इन इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट इफ देर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रीलिशमेंट तो ऐसी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट जहां पर कोई एक शख्स मौजूद है जो कि वर्कमैन को सुपरवाइज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है उस स्टैब्लिशमेंट को और वह जिम्मेदार है इस मामले में बिफोर द एम्प्लॉयर तो फिर यह उसकी जिम्मेदारी है कि वो वर्कर्स को पेमेंट्स वेजेस के जिमन में करवाएगा उसकी जिम्मेदारी लॉ डिक्लेयर करता है नेक्स्ट रेलवे का कॉन्टेक्स्ट रेलवे में भी तो वर्कमैन काम करते हैं तो वहां पर किसने जुम्मेदारी पेमेंट ऑफ वेजेस uh, की करनी है अपॉन रेलवेज अदरवाइज देन इन फैक्ट्रीज तो यहां पर जो ये जो बात अभी थोड़ी सी आगे होगी वो फैक्ट्रीज जो रेलवेज की हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही रेलवेज की बात हो रही इफ द एम्प्लॉयर इज द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अगर एम्प्लॉयर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है एंड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉमिनेटेड अ पर्सन इन दिस बिहाफ फॉर द लोकल एरिया कंसर्न देखें अगर रेलवेज है और कहीं पे लोकल एरियाज में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी शख्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया हुआ है कि आप इनकी जो पेमेंट्स हैं वेजेस की करवाने के पाबंद हैं जिम्मेदार हैं तो फिर वो शख्स जो है जिम्मेदार होगा कि वो पेमेंट ऑफ वेजेस विद रिगार्ड टू वर्कमैन जो है वो मैनेज करे होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन डी